खोलो यार जल्दी भैया, बारिश हो रही है बहुत तेज। क्या हुआ? देखना भाई क्या जगह है यार, काश इस घर में रह रहा होता मैं। हे गाइस, कैसे आप सब लोग, आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और भाई देख रहे हो स्नोफॉल हो रही है भाई, भाई देखो बर्फ लग रही है आगे, ये देखो स्नोफॉल हो रही है। भैया सो रहे हैं, हम जस्ट अभी अभी उठे हैं और हमको 7 बजे उठना था लेकिन 11 बज चुके हैं। हमको 11:30 बजे निकलना था यहाँ से घर के लिए, सॉरी मतलब सुबह निकलना था 7:30 बजे, लेकिन अब 11:30 बजे ही निकलेंगे यहाँ तक है। भैया अभी तक उठे नहीं है, उठाना पड़ेगा। और भाई व्यू देखो भाई, ये देखो। बाकी गाइज हम नाको हैं और नाको में पहुँच चुके हैं, 12,000 फीट है शायद, 12 या 13,000 फीट है। चलो फिर भैया को उठाते हैं जल्दी से, क्योंकि जल्दी से घर भी निकलना है। अगर आज हम लेट होते हैं तो फिर हमें एक दिन और रुकना पड़ेगा, फिर हम परसों पहुंचेंगे घर पे। लेकिन चलो उठाते हैं भैया को। देख रहे हो गाइस, उठे हुए हैं ये, अभी उठे हैं मेरे व्लॉग जो मैंने स्टार्ट किए हैं। मुंह छुपा रहे गाइस, क्योंकि इनका मुंह एकदम सो के उठते तो समझ रहे ना, वो टपकी रहती है फोटो पे ऐसे वगैरह। देखो छुपा रहे, देखो देखो छुपा रहे, दम है तो दिखाओ दिखाओ ये। ए, देखो दिख गई। चल अब खा लिया तो खाने दे भाई, बिल्ली आके देखो क्या कर रही है। मैं भी जस्ट मुंह हाथ धो के आया अंदर से, और फर्स्ट टाइम टच कर रहा हूं बिल्ली को, पता तुम्हें? मैं भी टच करके देखो, फर्स्ट टाइम भाई, फर्स्ट टाइम टच कर रहा हूं मैं बिल्ली में ना। चाय तुम्हारी थी? चाय मेरी थी, तुमने तो पी ली अपनी। तूने अपनी पी ली? और ये सैंडविच किसके थे भाई? डर गया मैं, कह रहा ये टोस्ट किसके थे? एक भैया का है, दो तुम्हारे। ये भी झूठे कर दिए? नहीं ये नहीं खाए इसने, ये नहीं खाए। पक्का? तो मेरी चाय बोल दो यार, एक दोबारा चाय मंगवा लेते। गाइस यहाँ का व्यू देखो यार, लेक व्यू है सामने भाई, कितना प्यारा लग रहा है, इसलिए हमने ये होटल किया था। दोस्त एक चाय भिजवा देंगे? भैया दिखाना, भैया दिखाना, थैंक यू सो मच यार। एक चाय भिजवा दो यार, बिल्ली पी गई चाय हमारी तो। सो गाइस फिलहाल अभी हम लोग 12 बजे अपनी राइड स्टार्ट कर रहे हैं, आज की घर की तरफ को वापस जा रहे हैं। और भाई बहुत ज़्यादा आज का दिन ख़राब हो गया ये समझ लो, क्योंकि भाई 7 बजे निकलना था, 7:30 बजे हम सोच रहे थे घर आज ही पहुंच जाएंगे, बट यार अभी क्या सीन है, अभी 12 बज रहे हैं तो हमें लग रहा है पहाड़ भी पार नहीं कर पाएंगे, और अगर पहाड़ पार नहीं हुए ना रात तक तो फिर जाना मुश्किल है घर, फिर हमें बीच में कहीं रुकना पड़ेगा और कल ही घर जाएंगे। जबकि मेरा मन कर रहा है भाई अभी घर पहुँच जाऊँ आज ही, क्योंकि बहुत दिन हो गए भाई, आज छठा दिन है। हमें शिमला पार करने की कोशिश करेंगे, और अगर शिमला पार हो गया तो फिर हम नहीं रुकेंगे, फिर हम सीधा आज ही गाड़ी घर लगा देंगे, चाहे रात के 2 बज जाएँ, 3 बज जाएँ, 4 बज जाएँ, ठीक है। लेकिन अगर शिमला पार नहीं होता है तो फिर हम बीच में कहीं रुक के आराम से रेस्ट करेंगे, फिर कल सुबह घर पहुंचेंगे। ये देखो भाई। हाँ भाई साहब क्या हुआ? बेटा पुल पर गाड़ी खड़ी करना मना है। अच्छा तो बाहर खड़ा है, पुल पर नहीं खड़ा है, ओके राइट। पढ़ लिया था? हाँ उनसे बोलता हूँ। सर यू डोंट फॉलो द रूल, सर व्हाई यू डोंट फॉलो द रूल? कौन सा रूल? वो सामने क्या लिखा हुआ है? गाड़ी लिखा है ना, ये गाड़ी नहीं है बाइक है। सर ये गाड़ी में ही आती है सर। नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते सर, ये गाड़ी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गुड़गांव वाली दादागिरी यहाँ नहीं दिखा सकते सर। चलता है? कॉल पुलिस, समबडी कॉल पुलिस, अरेस्ट अरेस्ट दिस गाय। भाई वो गाड़ी लिखा है, बाइक है। ये अच्छा एक्सप्लेनेशन है, ये पुलिस वालों को देना तुम कि ये सर ये गाड़ी नहीं है बाइक है। इन लोगों ने यहाँ पे रोक क्यों ली यार, जल्दी पहुँचना है भाई शिमला 250 किलोमीटर, और ये यहाँ पे ऐसे रोक रोक के चलेंगे तो कैसे पहुँचेंगे। मेरे सर दर्द अभी तक हो रहा है। रेडबुल है? रेडबुल, रेडबुल है, रेडबुल। हाँ जी रेडबुल नहीं है गाइस, पल्पी ले लेते ना, मिंट मेड पल्पी ऑरेंज। तूने भी पल्पी ली है? अच्छी रहती है बहुत। और अभी यहाँ से शिमला 250 किलोमीटर है, हम लोग सोच रहे हैं शिमला पहुँचने की, और अगर शिमला पहुँच जाते हैं तो फिर रात को माल रोड घूम सकते हैं, नहीं तो फिर कहीं और रुकना पड़ेगा नारकंडा के आसपास। खोलो यार जल्दी भैया, बारिश हो रही है बहुत तेज। क्या हुआ?
क्या हुआ कुछ तो? तो भाई अभी हम शिमला से 150 किलोमीटर दूर है और रेनकोट निकाल रहे हैं हम लोग जल्दी से, क्योंकि बारिश हो गई बहुत तेज और मौसम देख के लग रहा है आगे बहुत तेज बारिश हो रही है, पीछे तो फिर भी नहीं हो रही। निकालो यार जल्दी, तेरा निकाल दिया ना मैंने, मेरा वाला कहा है? तुम्हारा वाला तुम्हारे में रखा होगा। साइड में देखो, साइड में देखो, साइड में देखो। क्या यार बिल्कुल बच्चे हो यार, हर चीज बतानी पड़ती है यार। भैया बिल्कुल नूब है भैया ने, पता है 1 घंटा लगा दिया यहाँ पे और बारिश बहुत तेज हो गई है, हम लोग भीग गए। अरे इसका बैग का भी तो होना चाहिए। अबे स्कैम हो गया क्या? पैंट नहीं है पैंट। अरे अंदर पैंट तो रखी तुमने, वो गिनर। अरे तो वो भीग जाएगी ना। अरे नहीं भीगेगी, तेज चलोगे तो नहीं भीगेगी। चलो स्कैम कर दिया दुकान वाले ने, ऊपर ऊपर का दे दिया, नीचे का दिया नहीं। हाँ यार ये तो बड़ा स्कैम हो गया। ये तो बैग तो वाटर प्रूफ है, ये होता है जल्दी जल्दी के चक्कर में। वाटर प्रूफ है ये, रेजिस्टेंट होता है, प्रूफ नहीं होता। हाँ प्रूफ यही होता है, अंदर चला जाता है ज्यादा पानी होता है तो। बट कोई नहीं, चलो चलो जल्दी चलो, बैठो बैठो। रेजिस्टेंट मतलब ये कि थोड़ा बहुत पानी आएगा तो रोक लेगा। अब ये थोड़ी है तुम बारिश में ले जाओ भीगे में। लैपटॉप धरा है उसमें यार। तो लैपटॉप पानी वाटर प्रूफ नहीं है? वो भी वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ नहीं है। अबे यार भाई 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 ये भी गीली हो गई मेरी बाइक। तो पहने नहीं। कोई बात नहीं, यहाँ तो काम आ रहे हैं कम से कम। बर्फ में पहनने के लिए थे, मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा आगे। स्टार्ट नहीं करी मैंने अभी, अब करूंगा। लेट्स गो बॉयज, मजा आएगा भाई। बारिश पड़ रही है बहुत तेज। अरे मेरे अंदर किस पानी आ रहा है यार। भाई 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 मुझे दिख भी कम रहा है हेलमेट में, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बस खराब रास्ता ना है, ये रास्ता रहेगा तो भाई बढ़िया रहेगा मैटर। भाई ये देखो भाई मौसम, क्या सही मौसम हो रहा है भाई, मजा आ रहा है भाई KTM चलाने में। देखना भाई क्या जगह है यार, काश इस घर में रह रहा होता मैं। डेली उठ के भाई ये व्यू देखने को मिलता मेरे को सुबह सुबह। अरे भाई क्या व्यू है यार, मजाक से हटके। धूप पहाड़ बादल रोड KTM गॉड तो स्वरूपी सब एक साथ यार, इज गर्ल टू फायर। ला 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 हाय हाय। सो गाइस फिलहाल बज चुके हैं 5 और भाई अभी भी हम लोग रामपुर तक नहीं पहुंचे और हमें पहुंचना है शिमला, जो कि यहाँ से कितने किलोमीटर है भाई? बहुत दूर है अभी तो, 120-110 होगा, 120 के समथिंग आसपास है। और डांस कर इसका साउंड सुना, मैं डालूंगा इसको व्लॉग में, मस्त साउंड है इसका। तो गाइस फिलहाल अभी मैं शिमला पहुंचता, भाई खाया नहीं है, भूख लग रही है बहुत तेज। रामपुर रुकना है, रामपुर यहाँ से है 30 किलोमीटर, तो रामपुर में रुके कुछ खाते हैं यार, भूख लग रही है बहुत तेज। सुबह सिर्फ चाय और टोस्ट खा के निकले और अभी हम लोग ये वाला व्यू देख रहे थे। देखो भाई ये पहाड़ ना, पहाड़ काटा हुआ बीच में से और उसमें से तुसार निकल के आएगा। जद सर दूर रहते तुसार के फोटो वगैरह खींचते फिर निकलते यहाँ से। भाई तुसार पीछे पीछे का व्यू तो देख एक बार, मुझे लगा कुछ बोलने वाले। बादल तो देख कितने चार है भाई, वो क्या है वो भाई, वो क्या है? वो वहाँ से पानी निकलता है तो वो पानी मतलब खराब ना हो तो वो वहाँ पे ऐसे नीचे भेजते हैं उसको, मतलब समझ लो एक पंप टाइप का चलता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वो देख रहे हो वहाँ पे वो पावर प्लांट। अच्छा अच्छा हाँ वो पावर प्लांट है उधर। अच्छा तो ये इलेक्ट्रिसिटी, वो पानी वहाँ जा रहा है, वहाँ पे पंप होगा नीचे, टर्बो ऐसे लगा होता है, वो दिख रहा है नीचे, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, वहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं ना। क्या खींचू फोटो भाई? यार हालत और बस से बदतर होती जा रही है। यहाँ का जरा व्यू देखो और साथ में बारिश हो रही है, सोचो।
और भाई इतनी तेज हवा चल रही है ना, जहाँ से हम निकल के आए लोसर से, जितनी वहाँ ठंड थी उतनी ठंड मुझे अब लग रही है, क्योंकि भाई बारिश पड़ रही है, बारिश के साथ साथ हवा भी आ रही है। एक तो इस हवा ने भाई पता नहीं शुरू से ही, जब से हम निकले हैं तब से ही पूरा जोर डाल रखा है हमारे ऊपर, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, सामने से हवा आ रही है। शिट यार, जल्दी आ जाओ भाई, बहुत ठंड है बाहर। क्या हाल है? क्या सही टाइम पे आ गए हम? कैसे? क्योंकि अब बर्फ पड़ रही थी मोटी मोटी। बर्फ पड़ रही? ओले पड़ रहे? ओले ओले नहीं, बर्फ। कहाँ? यहाँ। हाँ देखो ना, ये क्या देखो, तो पिघल गया, पिघल गया बर्फ। तो गाइस बहुत ठंड है यहाँ पे। यहाँ जैसे तुम अंदर है ना, दो तीन मिनट बाद स्नोफॉल होने लगा मोटा भाई। स्नोफॉल हो रहा है? स्नोफॉल हो रहा है सच में? और सोचो ये टेरिस खुल जाता है या नहीं सर? ये बारिश के टाइम अगर हम जैसे ना आते ना, ये तब होता दिक्कत हो जाती है। बर्फ पड़ जाते हम। ओ भाई स्नोफॉल हो रहा है, ये दिक्कत कर देता हमको, बता तुम्हें भाई। कसम से भाई, हम जस्ट अभी होटल में आए हैं यार, और बारिश में भीगते हुए आए। कहाँ से? नाकों से नीचे बारिश हो रही थी, वहाँ से भीगते हुए आ रहे हैं हम लोग। कहीं बारिश बंद नहीं है, रामपुर पार कर दिया बारिश, यहाँ आ गए नारकंडा तक, जिस होटल में हम थे, जहाँ से हमने शुरू किया था एडवेंचर, उसी होटल में वापस आ गए, क्योंकि भाई ये बहुत ही बढ़िया होटल था। और फिलहाल भाई ये तो देखो, अभी रात में इतना दिख नहीं रहा, सुबह भी होगा क्या? सुबह सर ये इसका अगर अच्छा गिरेगा, मतलब हवा नहीं रहेगा तो ठीक होगा। ओ भाई यार कितना अच्छा लग रहा है, वीडियो में बता नहीं आपको अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा। बहुत बारिश होते होते ही फिर हम सही टाइम पे आ गए, इसका मतलब है ना। हाँ, ना भाई तो अपनी बर्फ में बर्फ में हो जाते भाई, क्योंकि हम भीगते हुए आ रहे हैं। और सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम पता है क्या हुआ है? हमारे पास रेन का कोट ऊपर का तो था, बट भाई नीचे का नहीं था, ये सारे भीग गए, तेरे भीग गए अंदर तक। मेरा तो पता ये कहाँ से लिया था हमने, ये वाटरप्रूफ है। क्या ये वाटरप्रूफ है? अंदर मेरा पानी नहीं है। तो तेरा बच गया, मेरा तो अंदर का कच्चा भी गीला हो गया। देखो एक राज की बात बताऊं, मैं तो एक ही कच्चा लाया था। और मैं बताया एक ही कच्चे में सात छह दिन निकाल दी मैंने। भाई ब्रो कोड, लेट्स गो गाइस, रूम में चलते हैं, कपड़े उतारते हैं फटाफट। आपका रूम फिर रहेगा बालकनी में? रूम में बालकनी है? यहाँ से दिख जाएगा। ओ भाई माँ, समझ आ गया। सुन इन्हें उतार दे, इन्हें खोल दे फटाफट, रूम को गंदा मत करियो। सो गाइस फिलहाल भाई देखो क्या सीन हो गया, हम लोग अभी जस्ट होटल में एंटर करे, मतलब रूम में एंटर करे, और ये देखो भाई रूम का हाल क्या है। ये लड़की कहाँ से बैठ जाती है ऐसे? लड़की नहीं भाई। भाई ये देखो कपड़े, बॉडी नहीं देख रहे क्या तुम? बॉडी नहीं देख रहे क्या? हाँ दिख रही है, दिख रही है। अभी कच्चा नहीं था, कच्चा शांत शांत गदाधारी भीम शांत। सुनो देखो कपड़ों का क्या हाल हो गया, ये भी गीला है ठीक है, ये भी गीला है, ये गीला है। भाई मेरे पास ये कपड़े बचे क्योंकि पन्नी में धरे हुए थे, इसलिए सेफ है, बाकी सबके कपड़े गीले हो गए। एंड यार भैया आपका नाम क्या है? दिवेश। भैया अभी देखना। भाई वो चाय थोड़ी है जो तू ऐसे कर रहा है। सो देवेश भैया ने यहाँ पे प्रेस ला दिए कपड़े सुखाने के लिए, और हमारे लिए हीटर लाए हैं, जबकि होटल में हीटर खत्म हो चुके हैं। तो देवेश भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड भैया तुम क्या कहते हैं इनके बारे में, क्या बता रहे थे? क्या बता रहे थे? अंग्रेज लगते हैं भाई, भाई इनके आउटफुट देख के ये बोले अंग्रेज लगते हैं। तो मैंने इनसे पूछा भैया आप किनको देखते हो यूट्यूब पे? भैया किनको देखते हो यूट्यूब पे? सिद्धू मूसेवाला। क्या बात है, वो दिखाओ जो आपने मुझे दिखाया था। ये देखो भाई, भाई ये देखो खतरनाक, ये आपने सिद्धू मूसेवाला देख के बनवाया है? क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा लग रहा है वो AK-47 खतरनाक भाई। तो यार एकदम कैडे फैन मिल गए हमें सिद्धू मूसेवाले के। तो अभी और लिखाओगे? अच्छा अच्छा, नेवर फोल्ड नेवर ब्रेक डाउन। भाई इसका अलग ही सीन चल रहा है, पर मैं जा रहा हूँ बाहर स्नोफॉल दिखाने तुम्हारी भाभी को, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस नेक्स्ट डे, और भाई मैंने रात यार एंडिंग करना भूल जाता हूँ, मैं रात व्लॉग एडिट करने लगा, बट व्लॉग एडिट करते करते भाई मेरे को नींद आ गई, क्योंकि जो हमारा जो पहला वाला ट्रिप का व्लॉग है ना, वो यार बहुत लंबा है, वो
है करीब 2 घंटे का व्लॉग, तो उसमें से काट काट के भाई मैंने उसे अभी तक एक सवा घंटे का कर दिया है। अभी उसे और छोटा करना है, तो उसी चक्कर में यार व्लॉग अभी अपलोड नहीं हुए हैं, वरना मैं आज सोच रहा था, बट रात में को नींद आ गई। फिलहाल गाइस मौसम देखो कितना साफ है, कल आते हैं स्नोफॉल हुआ था बट अभी लगी नहीं रहा कि स्नोफॉल हुआ है, मुझे लगा दिन में भी हो रहा होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बट फिलहाल मौसम साफ है, अभी हम लोग घर निकल सकते हैं, सीधा जा रहे हैं घर और देखते हैं आज क्या एडवेंचर होता है। वैसे तो कुछ है नहीं, बोरिंग डे रहने वाला है आज, बट कोई बात नहीं गाइस, ब्लॉग देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जो ही चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं खा मखा चला चला उड़ बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया।